नमस्कार, अभिनंदन आभार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। दोस्तों, हम जो बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करने वाले हैं योग्यता क्या चाहिए, इसके अलावा भर्ती कब से शुरू हो जाएगी, क्या क्या इसमें चयन का प्रोसेस है, कंप्लीट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या इसमें नेट भी ज़रूरी है, क्या इसमें सेट भी ज़रूरी है क्या। तो दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की कि कितने पदों पर ये वैकेंसी है। अगर दोस्तों बात करें कितने पदों पर ये वैकेंसी है, तो 1945 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। 1945 पदों पर वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये वैकेंसी है कब तक आ जाएगी, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है मार्च के अंतिम वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। दोस्तों, योग्यता अगर मैं बात करूं तो जब इसका फॉर्म भरा जाता है तो उस समय आपको नीट और सेट ये ज़रूरी नहीं है, नीट सेट पीएचडी ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जब आप फॉर्म भरते हैं तब ओनली आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पीजी फाइनल कि आप बीए बीकॉम जो भी कर रखा है आपने, डिग्री होनी चाहिए और पीजी जो आप कर रहे हैं उसका फाइनल ईयर होना चाहिए। इसके अलावा ये चीज़ें जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, ये चीज़ें कब काम में आएगी आपके, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका लास्ट टाइम में क्या होगा, इंटरव्यू होगा ना, उस समय आपको ये चीज़ें चाहिए होती है, क्या नेट सेट पीएचडी वगैरह, तो उस समय तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये तो आप लोग जानते हैं कि अभी वैकेंसी निकल रही है तो अभी तो कोई इसका इंटरव्यू होगा नहीं, अभी इसका एग्ज़ाम होगा, बहुत से प्रोसेस होते हैं, लगभग 2-3 साल का भी समय इसमें लग सकता है, तो तब तक आपकी हो जानी चाहिए। अभी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई पीजी प्रीवियस ईयर है, पीजी का अगर किसी का फर्स्ट ईयर है, उनको भी ये फॉर्म भरना चाहिए, पीजी वालों को ये फॉर्म भरना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है एक्चुअल में। तो योग्यता का डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आपको फॉर्म भरते समय ओनली पीजी का फाइनल ईयर हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नेट सेट जो भी आपका है वो आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कि इसका चयन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अगर इसका चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो इसके आपको सभी को पता है 2 एग्ज़ाम होते हैं, या मैं ये कहूँ इसका एक तो होता आपका लिखित एग्ज़ाम, एक होता आपका इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, 2 चीज़ें होती है। ये इंटरव्यू जो होगा आपका वो होगा कितने नंबर का, 200 नंबर का। ये साक्षात्कार जो होगा आपका कितने नंबर का होगा, आपका 24 नंबर का। कुल मिला के आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा, 224 नंबर का। बात करें दोस्तों आपकी लिखित एग्ज़ाम की, तो उसमें आपके 3 पेपर होते हैं। उनमें से अगर मैं बात करूँ प्रथम पेपर, तो ये कितने नंबर का होगा आपका, 75 अंक का पेपर होता है। कितने अंक का, 75 अंक का। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, 150 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ठीक है, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपका, 0.5 नंबर का। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 0.5 नंबर का। 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक का, 100 अंक का आपका मैटर होगा। कौन से वाले में, पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में आपका ये होगा। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो द्वितीय पेपर, ये भी कितने अंक का होता है आपका, ये भी 75 अंक का होता है। कितने क्वेश्चन आएंगे भैया इसमें, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 0.5 अंक का, मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे 75 अंक के। ये जो दोनों पेपर है आपका फर्स्ट और सेकंड, ये आपके कौन से पेपर होते हैं, विषय के पेपर होते, सब्जेक्ट के ही पेपर होते। ये दोनों पेपर आपके विषय के या सब्जेक्ट के आपके पेपर होते। वही बात करें थर्ड वाला जो आपका पेपर होता है, ठीक है,
ये जो पेपर है आपका ये कितने अंक का होगा, ये 50 अंक का होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 0.5 अंक का आपका क्वेश्चन होगा। तो मतलब आपके जो तीनों पेपर होंगे लिखित एग्जाम में, हर क्वेश्चन आपका आधा नंबर का होगा। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करूं, ये हो गए 150 और ये हुए 400। तो 400 क्वेश्चन होते हैं आपकी एग्जाम में तीनों पेपर्स के, जो कितने नंबर के हो जाएंगे आपके, 200 नंबर के हो जाएंगे। तो ये था आपका लिखित वाला मैटर। इस साइड आपका इंटरव्यू होता 24 नंबर का। ये था आपका चयन का प्रोसेस। वैकेंसी आपकी मार्च अप्रैल में आ जाएगी। आपका जो नेट योग्यता का आपने समझ लिया, आपका पीजी फाइनल होना चाहिए, पीजी फाइनल होना नहीं, अपेयरिंग हो, आपका पीजी फाइनल चल रहा हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर आप पीजी फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भरें इसका, ठीक है। इसके अलावा नेट सेट जो भी है आपका वो बाद में करते रहना। इसके अलावा अगर पदों की बात करें अपन, तो 1945 पदों पर वैकेंसी है। जी हाँ, एक चीज़ नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, तो जी हाँ, इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है दोस्तों। आगे आपने पदों की बात की, 1945 पदों पर वैकेंसी आने वाली दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चैनल की बेल आइकन प्रेस कर ले, उससे क्या होगा, इसी प्रकार की और भी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।